सेल्फ सेल्फोम जायसवाल एक और प्रैक्टिस सेट डेलिसेज पर आपको दिया जा रहा है बहुत ध्यान से आप लगाया करिए अगर आप रेलवे एग्जाम कर रहे हैं अपकमिंग ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जामिनेशन है तो बहुत ध्यान से इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाया करिए और आपको 40 में से 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही करके दिखाने हैं तभी आप एकदम अच्छे से तैयारी आपकी मानी जाएगी ठीक है देखिए इसका चौथा भाग है डेली डिलीविस क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही है किसी भी मिस मत कीजिएगा मैं आपको इस बात की गारंटी दिला रहा हूँ कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी पूरा जबान पर होगा आपका अगर आप डिलीविस क्लास को ले रहे हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहला काम है इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना तो फटाफट कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर न है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं जी दोस्तों ट्विटर के नए सीईओ बना दिए गए हैं आप लोग को पता भी चल चुका होगा इनका नाम तो इनका नाम दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर सी देखिए पराग अग्रवाल जी हाँ दोस्तों पराग अग्रवाल जो कि नए बने हैं ट्विटर के सीईओ अब देखिए कुछ और सीओ के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हैं जो नए भारतीय हैं सबसे बड़ी बात की है भारतीय हैं तो अमेज़न के तत्कालिक सीईओ दोस्तों कौन है एनडीजेसी एंड व्हाट्सएप के तत्कालिक सीईओ कौन है इनका नाम है विच कैटकॉड एप्पल के तत्कालिक सीईओ कौन है टीम कुक और यूट्यूब के सीईओ कौन है दोस्तों तो सुजैन वॉच सिकी एंड फेसबुक के दोस्तों कौन है तो मार्ग जकरबर्ग है तो सारे आप देख सकते हैं और सारे देखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत दूसरा क्वेश्चन दिलवाड़ा का जो जो मंदिर है इसका संबंध किस धर्म से है ठीक है क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमेशा पूरा करके आता है इसमें बस मिस कर दिया है दिलवाड़ा के जैन मंदिर से फेमस है ऑप्शन नंबर बी इज इजाइड जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है यही मंदिर आप देख सकते हैं और दोस्तों ये खासियत इसकी एक और है राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी दोस्तों वो इसी उसी चोटी पर ये मंदिर आपका स्थित है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे भी याद रखेंगे तो इसका संबंध दोस्तों किससे है तो ये जैनियों से संबंधित ये मंदिर है तीसरा क्वेश्चन है भारत का कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बराया हुआ है इसे हम लोग लाइफ लाइन ऑफ एम कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं यह आपकी नर्मदा नदी अब हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से निकलता है दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए जबलपुर भेड़ाघाट देखिए यहाँ पे ओंकारेश्वर महारेश्वर वड़ोदरा होते हुए सूरत के आगे देखिए यहाँ पे ये आके अरब सागर में गिर जाता है तो क्वेश्चन ये भी आता है कि पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदी का नाम दोस्तों वो भी आपका नर्मदा नदी हो जाएगा इसकी लंबाई दोस्तों कौन कितना हो जाएगा तो तेरह बारह किलोमीटर तेरह किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है अगला क्वेश्चन देखिए किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने सातवीं बार बैलॉन डिओर खिताब जीतकर इतिहास रचा है जी हाँ दोस्तों ये सातवीं बार ये खिताब जीते हैं इनका नाम दोस्तों क्या है लियोनेल मेसी अब सातवीं बार है तो आपके दिखाई होगा कब कब ये जीते हैं तो याद रखिएगा देखिए इसके पहले ये 2009 2010 2011 2012 2015 2019 और 2021 में ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है ठीक है ये फुटबॉल खिलाड़ी इनको तो सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से या देखिए फीफा के बारे में फीफा का फुल फॉर्म पूछता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी स्थापना एक मई सन उन्नीस सौ गई इसका मुख्यालय कहाँ पर जूरिक, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं देखिए छिपकली एक जानवर है किस टाइप के खून का जैसे हम लोग क्या है हम लोग गर्म रुधिर के हमारा हमेशा सैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा जो टेम्परेचर रहता है लेकिन छिपकली के जो ब्लड है उसमें परिवर्तन होता है और ये शीतकाल में ठंडा हो जाता है तो शीत रक्त के जो जानवर हैं आप लोग एक कमेंट करके बताइए कोई एक और जानवर का नाम जो कि शीत रक्त से संबंध रखता हो अगला देखिए दोस्तों भारत में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर दोस्तों कौन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम मिताली राज ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो कि प्रथम पहली ऐसी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया हुआ है आगे बढ़ते दोस्तों स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया ये किया गया था सन 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था अब यहाँ पे देख सकते हैं आप बताइए दोस्तों कि स्वेज नहर जो है कौन से जगह पे स्थित है बहुत आसान है अगर देखिए ये रास्ता पहले ऐसे जाता था लेकिन स्वेज नहर के बनने की वजह से स्वेज नहर के तो भारत में भी व्यापार आसान हुआ है तो अगर ये वाला इलाका आप जानते होंगे ये वाला ना तो कहाँ का है कमेंट करके बताइए दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी यहीं बहती है बताइएगा उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट उज्जैन शहर जो है महाकाल का तो ये देखिए सिप्रा नदी के किनारे पे बसी हुई है देखिए नर्मदा नदी यहाँ पे कहाँ से निकलती है अमरकंटक से निकलती है कृष्णा कहाँ से निकलती है महाबालेश्वर से निकलती है कावेरी कहाँ से निकलती है ताला कावेरी से निकलती है नर्मदा नदी की लंबाई दोस्तों तेरह सौ बारह किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है आपकी चौदह किलोमीटर और आपका आठ किलोमीटर की लंबाई है कावेरी नदी की याद रखिएगा इसको आगे बढ़ते हैं गरीबी उन, उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था जी हां दोस्तों यहां पे पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा दोस्तों गरीबी उन्मूलन था ए इज द करेक्ट आंसर दसवां क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था मतलब बाजार पे जो कंट्रोल करता था दोस्तों ये कौन था ये था अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर डी इज राइट देखिए आपके अपकमिंग एग्जामेशन के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाया दोस्तों जो निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए 500 मैथ के सुपर सुपरगस्ट क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं एक भी क्वेश्चन इसमें आपको छोड़ना नहीं है सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाइए एग्जामिनेशन में सारे के सारे हल्क दिए गए हैं और एकदम जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित सारे प्रश्नों को बनाया गया है तो ये ई बुक का लिंक का डिस्कशन में मिल जाएगा जीके को देखिए टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन रेलवे एग्जामिनेशन रेलवे एनटीबीसी में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को एक साथ मैंने मिलाया हुआ है जो बार बार पूछे गए हैं और उनका ई बुक बना है तो सत्तर ज्यादा टॉपिक इसमें मिल जाएंगे बस लेके आपको रिवीजन मारना है इसको एग्जामिनेशन से पहले पहले ठीक है तो इसे ले लीजिएगा एंड साइंस का देखिए मैंने ई बुक बनाया क्वेश्चन जो पिछले दस वर्षों में बहुत बार रिपीट किए गए हैं और सभी के सभी दोस्तों फुल डिटेल के साथ इसमें जीव विज्ञान 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 रसायन भौतिक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा फटाफट आप ले लीजिएगा और तैयारी एकदम चाप के करिए कुछ भी करके एग्जामिनेशन निकालना है क्वेश्चन नंबर ग्यारह दोस्तों यहाँ यहूदियों के धार्मिक पुस्तक का नाम अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में धार्मिक पुस्तक का नाम आता है ना तो यहूदियों का दोस्तों क्या है तो यहूदियों पुस्तक दोस्तों हम लोग बोलते हैं तोरह क्या बोलते हैं तोरह याद रखेगा आगे बढ़ते दोस्तों 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दोस्तों

अगला देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दोस्तों क्या है जी दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर अगला देखिए सात पर्वतों का नगर दोस्तों किसे कहा जाता है बहुत आसान प्रश्न और बहुत बार जीके में प्रश्न आया हुआ है तो सात पर्वतों का नगर दोस्तों लोग कहते हैं रोम को कहते हैं ए इज द करेक्ट आंसर दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व तो पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों दूध से मक्खन निकालने पर उसके घनत्व पर प्रभाव क्या पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी उसका घनत्व तो क्या होता है उसका घनत्व तो हमेशा बढ़ता है अगला क्वेश्चन देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है बहुत आसान प्रश्न है सही आंसर दोस्तों जाएगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा दोस्तों लिखा गया है इस क्वेश्चन में ए आंसर सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इन सभी ऑप्शनों में से एक क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी किस ऑटोबायोग्राफी है इन सभी ऑप्शनों में से बहुत आसान है कमेंट करके बताइए देखिए कैंडेला किस भौतिक राशि का दोस्तों मात्रक है जो कि एसआई ही मात्रक है दोस्तों कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बाईस क्वेश्चन देखिए खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है जी हाँ दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर सी इज राइट right. मध्य प्रदेश के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है शिवराज सिंह चौहान गवर्नर का नाम मैंने आपको बता रखा है दोस्तों ये कौन है मंगू भाई छगन भाई पटेल एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों पूछेगा तो रवि विजय मालिमथ जो है याद रखेगा जो कि मध्य प्रदेश राज्य के तत्कालिक चीफ जस्टिस भी हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए वेग का ऐसा ही मात्र क्योंकि साइंस में मात्रक से क्वेश्चन बहुत बार आपके एक्जामेशन पूछे जा रहे हैं दोस्तों वेग का ऐसा ही मात्र क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड बहुत आसान अगला क्वेश्चन देखिए भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया भारत सेवक समाज की जो स्थापना दोस्तों की गई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा अगला देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से दोस्तों किस नगर को जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं तो बेंगलुरु को जानते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों कहाँ की राजधानी है दोस्तों तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है कर्नाटक के दोस्तों तत्कालिक सीएम का नाम जी हाँ बहुत से इम्पोर्टेंट वसराज बम्बई है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों अग्नि मंदिर है पारसियों का ही देखिए पूजा स्थल है जैन दवस्था इन्हीं की ग्रंथ है याद रखेंगे पानीपत की तीसरी युद्ध में किसको विजय मिली थी दोस्तों पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुई थी वो कब हुई थी सत्रह में और किसे विजय मिली दोस्तों तो ये अहमदाबाद जो कि अब्दाली को दिया गया था आगे बढ़ते हैं अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर डी वैसे तो ये राज्य अब रहा नहीं अब ये यूनियन टेरिटरी हो चुका है और ये यूनियन टेरिटरी बना कब तो ये यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 में यूनिटी दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर तत्कालिक तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है मनोज सिन्हा याद रखेगा इसको आगे देखिए दोस्तों विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन थी जी हाँ दोस्तों विश्व सुंदरी बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी ऑप्शन नंबर ए रीता फारिया मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें जिससे लगातार मुझे मनोबल मिलता है मैं लगातार वीडियो दूंगा टेल्थ एग्जामिनेशन एंड इस वीडियो को कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में शेयर जरूर किया करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको डेली बेसिस पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ठीक है जरूर कर लीजिएगा आगे देखते हैं साधारण नमक रासायनिक नाम जी हाँ क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से यह अभिप्राय है कि आपको रासायनिक नाम भी देखना है तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अगला देखिए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था ठीक है तो दोस्तों गरीबी हटाओ पांचवे में था और प्रथम जो था उसमें कृषि पर बल दिया गया था अगला ताप का मात्रक दोस्तों क्या है, बहुत बहुत है, है? सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन सा विदेशी था दोस्तों तो याद खान अब्दुल गफ्फार खान सबसे पहला विदेशी जिसको जो कि भारत रत्न दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसकी प्राथमिकता दी गई थी तो द्वितीय औद्योगिकीकरण को दिया गया था ठीक है याद रखेंगे तो प्रथम में कृषि द्वितीय

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है एक दिसंबर सन उन्नीस में इसका मुख्यालय कहाँ पे है नई दिल्ली में इसके महानिदेशक तत्कालिक कौन है दोस्तों 2022 में पंकज कुमार सिंह और मोटो दोस्तों क्या है जीवन पर्यंत कर्तव्य आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में छात्रों के लिए विद्या दिव्यन योजना किस राज्य सरकार में शुरू किया गया जी हाँ दोस्तों यह योजना जो शुरू किया गया ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया बी इज राइट ना क्या है योजना का नाम याद रखेंगे विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना दोस्तों आधिकारिक जो भाषाई पर भाषा पर आधारित सबसे पहला राज्य है एक नंबर उन्नीस सौ छप्पन राजधानी अमरावती हैदराबाद मुख्य जो कि मुख्यमंत्री कौन है वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे राज्यपाल दोस्तों कौन है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन इनको कलिंगा अवार्ड दिया गया था दो में और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों यहाँ पे कौन है प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ पे जिलों की संख्या दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो जिलों की संख्या है यहाँ पर तेरह यहाँ पे लोकसभा सीट अगर आपसे पूछा जाएगा तो लोकसभा सीट 25 राज्यसभा सीट 11 और 175 विधानसभा सीट है ठीक है यहाँ पे विधान परिषद की भी सीटें हैं कितना अंठावन सीटें विधान परिषद की भी हैं आगे बढ़ते हैं पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल स्थित है सबसे आउटर लेयर में दोस्तों आपका बहिर्मंडल है ठीक है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्वेश्चन आता है दोस्तों ओजोन मंडल किस पे है तो समताप मंडल में है ठीक है जो दूसरा जिसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं और छोम मंडल सबसे नीचे का है ट्रोपोस जिसमें बारिश और आपका तूफान आंधी तूफान सारी चीजें आती हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन चालीसवा देखते हैं विभवांतर का ऐसा ही मात्र दोस्तों क्या है जी हाँ दोस्तों विभवांतर का जो ऐसा ही मात्र है वो हो जाएगा आपका बोल्ट इसी प्रकार मैं लगातार आपको रिवीजन कराता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता रहूंगा रहूँगा डिलीवरी स्पेश क्लास को मि मिस मत कीजिएगा इसके पहले के सारे पार्ट को आप लोग जरूर लगा लीजिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा चैनल बना है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे एंड बहुत सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोग जरूर से उसे ले लीजिएगा